हेलो मेरी प्यारी जनता, कैसी हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका 2D एनिमेशन कोर्स बाय मोबाइल क्लास 10th के अंदर। फिर आज की क्लास भी जो है बाहर ही शूट हुई और ये लास्ट क्लास है जो बाहर शूट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपके सारे के सारे वैसी क्लासेस मिलेगी एक्टिवली, और आज की क्लास में भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। जैसे कि पिछली क्लासेज में मैंने बताया कि एक दो क्लासेज के लिए मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, लेकिन आपके कोर्स को कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बाहर क्लासेज ले रहा हूँ। तो चलिए, पिछली क्लासेज में हमने बहुत कुछ जान लिया है, उन चिप को आप एक बार जो है रिवाइज करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा उनके साथ साथ ही में। कोई भी आपके जो है डाउट्स आ रहे हैं उनको एक साथ रखिए या फिर कमेंट करते रहिए, आपको डेली रिप्लाई मिलते रहेंगे। और अगर जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा लाइव सेशन की तो लाइव सेशन भी आपका लिया जाएगा जूम के थ्रू, और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आगे आने वाले वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास के अंदर जो है क्रोमाटोन्स का एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो रह गया है। जैसे योगा वगैरह करवाना हो तो वो उस कंडीशन में हम कैसे करवा सकते हैं वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन रह गया, आप सोच रहे होंगे ना कि एक ऑप्शन तो छुड़ा दिया, उसका मतलब क्या था। मैंने कहा था सारे ऑप्शन बता दूंगा। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं, रीटाइप। मैंने वर्ण ही सिलेक्ट कर रखा है, सबको नन कर देता हूं, पहले वाले करेक्टर को छोड़ देते हैं, मैं नन कर देता हूं, इसको नन कर देता हूं, इसको भी नन कर देते हैं। ओके, लेडी वन को रख लेते हैं, ये थोड़ी सी फिट दिख रही है। तो इसको क्या करते हैं कि बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड 2 कैसा लग रहा है, बैकग्राउंड 4-5, चलो ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, अब इसके अंदर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर IK करके, है ना, उसका क्या यूज है वो बताते हैं। लेकिन उससे पहले एड आ जाता है स्क्रीन पर, तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। सो गाइस, यहाँ पर IK का एक ऑप्शन रह गया था, उसको सीखते हैं। तो IK पर जैसे आप टैप करोगे तो कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट आ चुके हैं, कोई स्क्वायर पॉइंट है तो कोई प्लस पॉइंट है, कोई पिंक है तो कोई ग्रीन है। तो अब इनका मतलब क्या है वो सीखते हैं। सबसे पहले इस माइक को थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये पॉइंट्स आपको डेडिकेट करते हैं आपके बॉडी पार्ट्स को, उनको कितना मूवेबल बनाया जा सकता है, उनको पर्टिकुलर वे में मूव करवाने के लिए। मान लो इसी लड़की से मुझे योगा करवाना हो, तो मैं इसका हाथ यहाँ से लूँगा और ऐसे ऊपर कर लूँगा, यहाँ से लूँगा ऐसे ऊपर कर लूँगा, या फिर नीचे कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ से लिया और ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से मैंने नीचे करवा लिया, और ये मैंने ऐसे करवा लिया, तो कुछ इस तरह से, है ना, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह से करवाना हो ना, ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से ले लेते हैं और इसको मूव करा के ज़मीन पे ले आते हैं। तो इस तरह से योगा वाली पोजीशन देने हो गई। लेकिन मुझे ना इसको थोड़ा फ्लाई करवाना है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, इसको एनिमेट करना सीखते हैं ना। तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये एक नॉर्मल पोजीशन में कंसिडर कर रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी ना साइज़ थोड़ी कम कर देता हूँ। साइज जहाँ पे कम कर रहा हूँ इसके पेट वगैरह की साइज़ जो है अलग अलग हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से ऑटो पर क्लिक कर देता हूँ, ऑटो का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको प्लस करके फिर से वही साइज़ ले लेता हूँ, ठीक है, ये साइज़ रख लेते हैं। तो अब क्या करना है, अपन एनिमेट करेंगे कि एक एक चीज़ हमें होती हुई दिखाई दे। तो उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, पहले ऊपर एनिमेशन पर टिक कर देना ताकि रिकॉर्ड होता रहे। जैसे मैं प्लस पर क्लिक करूँगा, प्लस पर क्लिक किया, फर्स्ट एनिमेशन रिकॉर्ड किया, प्लस पर क्लिक किया, सेकेंड एनिमेशन रिकॉर्ड किया, प्लस पर क्लिक किया, फिर से प्लस पर क्लिक करेंगे, सेकेंड एनिमेशन रिकॉर्ड करेंगे, इसको मूव वाले बटन पर क्लिक करके थोड़ा नीचे ले आएंगे, और फिर से प्लस वाले पर क्लिक करेंगे, और इस बार जो है हाथ की पोजीशन को ऐसे आगे ले लेंगे, और ये रेड वाला रेड हाथ के लिए, ठीक है। फिर से प्लस पर क्लिक करूँगा तो ये पेयर को थोड़ा सा चेंज हो गया, सॉरी, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से देखो प्ले हो रहा है, ओके। और ये आपको योगा सिखाते हुए कुछ आप इस तरह से इनको करवा सकते हो। लास्ट वाले रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट में मैंने प्लस वाला ऑप्शन नहीं दबाया था, ठीक है। अब मैं एक बार एनिमेशन को हटा देता हूँ सारे के सारे को, न्यू पर क्लिक करते सारे एनिमेशन हट जाता है। पुराने वाले ऑप्शन दिमाग में आ रहे हैं कि भूल गए हो, नीचे कमेंट करके बताना अगर भूल गए हो तो, ठीक है। यहाँ पर एनिमेशन 0 हो गए, और मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ। इसको फिर से ठीक करने की जगह क्या है कि इसको सुपरमैन बना देते हैं, एक हाथ नीचे, इसको क्या करते हैं, इसको पापा की परी बना देते हैं, ठीक है। तो पापा की परी बनाने के लिए इसको उड़ाना पड़ेगा, उड़ाने के लिए इसको जो पैर है उड़ाने की सिचुएशन में डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अब ये पापा की परी जो है उड़ेगी, उड़ेगी कैसे, फर्स्ट एनिमेशन, सेकेंड एनिमेशन,
सेकेंड एनिमेशन, थर्ड एनिमेशन, फोर्थ एनिमेशन, फिफ्थ एनिमेशन, प्ले करके देखते हैं। ओहो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो चुकी एनिमेशन मैंने ठीक से नहीं किया, ठीक है आप एनिमेशन ठीक से कर लीजिएगा, मैं सारे एनिमेशन को फिर से रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है फिर से करते हैं प्लस। ठीक है करके देखते हैं। देखो उड़ गई पापा की परी, इतना ही उड़ाएंगे इसको, ठीक है इसको फिर से नीचे ले आते हैं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको यूज एक्सटर्नल माइस और यूज स्क्रीनशॉट पीएनजी सीक्वेंस देखने को मिल जाएगी। इस पर आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस इफेक्ट पर आपको जाओगे तो फायर फाइल, स्नो, रेन, वाटर बबल, स्मोक आपको ये मिलेंगे। ये ऑप्शन में बताना भूल गया था एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या है कि आप समझ रहे होंगे इफेक्ट है ये बेसिकली, फायर फाइल्स आपको दिखेगी मतलब आग दिखेगी, स्नो बर्फ पड़ती हुई दिखेगी, रेन बारिश होती हुई दिखेगी, वाटर बबल्स दिखेंगे और धुआं दिखेगी। जैसे धुआं देना है मेरे को यहाँ पर, तो देखिए वीडियो में धुआं आ रहा है, ठीक है फिर से सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर अब मैं रेन दे देता हूँ। रेन पर क्लिक करोगे तो देखो बारिश होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर फायर फाइल्स पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए इस तरह से फायर के कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है इनका इफेक्ट का यूज ले लेके आप और भी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। नीचे चेंज लोगो का ऑप्शन है, आप लोगो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है इस पर क्लिक करके जो भी है चेंज लोगो पे, जो भी लोगो आप इंपोर्ट करना चाहो क्रोमा टोन्स की जगह तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन देख लेते हैं और क्या क्या रहा है। देखिए एनिमेशन से रिलेटेड इतने ही ऑप्शन थे अपने पास। सो ओके गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही, आप जो है एक बार इन पार्ट्स को मूव करवा के देखिएगा और आप इनसे क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो वो सारी चीज़ें आपको करवा के देखनी है और प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है और इतनी फास्ट करने लग जाने हैं कि एक दिन की आपको एक स्टोरी तो तैयार कर ही देनी है, सारे सीन बना के सब कुछ करके आराम से हम सीखेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। खुद के आर्टिस्ट पहले खुद ही बनना है इस बात का ध्यान रखिएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। कोर्स आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे फीडबैक फॉर्म पर क्लिक करके जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। वेल उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी मैंने सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स कीजिएगा। कोई भी जो है आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीटली जो है अच्छे से फिर से सिखा दूंगा, लाइव सेशन भी ले लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। वेल आज की क्लास में इतना ही, क्लास से रिलेटेड कोई भी शिकायत या क्वेरी हो तो मिल जाऊंगा मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।